केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्रीय संस्कृत विद्या विश्वविद्यालय ए सदाशिव परिसर को आसिबे एठारे 100 कोटी टंका प्रकल्प को शिलान्यास करिवे जे बोली बारे शैक्षिक भवन कथा कहतु 8 तला विशिष्ट शैक्षिक भवन प्रशासनिक भवन ता सहित छात्रीवास छात्रावास लोकार्पण करिवे एवं ता सहित स्टाफ मानक रूम एवं जो अतिथि माने आसिबे सेमानक रूम को मध्य लोकार्पण करिवे निश्चित समस्त मनरे बेस आग्रह अछि धर्मेन्द्र प्रधान को स्वागत करिवे सबुरी महल प्रस्तुत शेष हो जाइछि एवं बड़ कथा होछि जेहेतु आज लक्ष्मी पुराण जो रही लक्ष्मी पुराण आंतर्जातीय आलोचना चक्र पाखापाखि तीन दिन धरी चलो आज प्रथम दिन में केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोगदेव आप पूरा दृश्य देखुं केन्द्रीय विश्व संस्कृत विश्वविद्यालय जो माहौल आम देखा आपको किसी समय पर केन्द्र शिक्षामंत्री आसी पहुँचे आम आलोचना करवा आज्ञा ये आउ किसी समय पर आसी केन्द्र शिक्षामंत्री पहुँचे पूरा भव्य आयोजन कर 100 कोटी टकर लोकार्पण होता सहित लक्ष्मी पुराण जहाँकि गोटे स्वच्छता हो कि भक्तिभाव कथा हो नारी सशक्तिकरण कथा हो श्रीया चंडा जो अस्पृश्यता विरोधी बार्ता रही लक्ष्मी पुराण में लक्ष्मी पुराण आलोचना चक्र करा जीवो ये गोटे पवित्र मुहूर्त कार्तिक मासर शेष मासरे शेष दिवस आम पहुँची गलि अँला नवमी पंचक पंचक अल्प दिन रहा तेणु मार्गशीर और कार्तिकर यो संदीक्षण भितर महालक्ष्मी को आवाहन करार महालक्ष्मी पूजा करार एक सुजोग मिली आज केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सदाशिव परिसर में लक्ष्मी पुराण व लक्ष्मी कथा को विश्व दरबार पहुँचापी एक चेष्टा करेषा मध्यम तीन दिन धरी लक्ष्मी पुराण उपर आलोचना चक्र सत्र रारत वर्षर विशिष्ट पंडित मैंने विशिष्ट जगन्नाथ संस्कृति गवेषक मैंने उपस्थित होती से ही मर्म से ही लयरे आज प्रथम दिन में शिलान्यास कार्यक्रम रोच प्राय एक विशिष्ट बा बृहत परियोजना जहाँ को स्वप्न देखी सदाशिव परिसर समस्त अध्यापक छात्र छात्री माने आज सफल रूपायन शिलान्यास आठ तला विशिष्ट ये एक विराट भव्य अट्टालिका हम छात्र छात्री मान आगामी दिन में एक विश्वस्तरीय विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था प्रदान करा जीवो यही चिंता यही भावना रे सदाशिव बहुत बाहर आसुचार अतिथि मैंने विद्वान व्यक्ति मैंने गवेषक मैंने बाहर भारत तथा भारत बाहर जापान नेपाल नेदरलैंड लक्ष्मी पुराण वास्तव में आंतर्जातीय स्तर में ख्याति लाभ कर महाप्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ हम विश्व कोटि कोटि ब्रह्मांडर से मालिक महालक्ष्मी होती समस्त क्रियार कारक अन्नदाता माँ लक्ष्मीदाता माँ धनदात्रा दत्तदात्री माँ को विषय आप जानते लक्ष्मी पुराण में आम मुख्य विषयवस्तु हूँ माँ को आगमन माँ को पुराण में सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ीकरण नारी सशक्तिकरण नारी को जो श्रृंखल विहीन व नारी मान स्वाधीनता देवार जो प्रयास कर आलोचना कर कमलाकांत आम सहित डॉक्टर नरेश दास जोड़ी होती गवेषक श्री जगन्नाथ संस्कृति गवेषक भास्कर मिश्र जोड़ी होती संक्षेप में आलोचना करवा आज आज्ञा गोटे गोटे भल दिन आज आज केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में लक्ष्मी पुराण आलोचना चक्र हम ए संस्कृत और हिंदी भाषा लोकार्पण से पुस्तक उन्मोचन कर केन्द्र शिक्षा मंत्री आसवे निश्चित पक्षे आमर जगन्नाथ चेतना भित्तिक बलराम दास लक्ष्मी पुराण उपरे प्रथम थर पर जातीय स्तरीय आलोचना चक्र हो भारत वर्षर ओडिशार एवं पुरीर बहु विद्वान माने अंशग्रहण कर सदाशिव परिसर पक्षर आयोजित जो है ये अभिनंदन स्वागत योग्य नरेश सर सहित आलोचना सर कौन कहे आप के खुशी वास्तव में कारण देश विदेश अनेक प्रतिनिधि मैंने आसवे विद्वान व्यक्ति मैंने आसवे आपड़ भी अंशग्रहण कर गोटे अपूर्व सुजोग आम मानी ओडिशा को बहु राष्ट्र लोक मैंने आम्मिलन की एवं एमरी कथा ही पड़ी ओडिशा कहले जो लक्ष्मी पुराण चर्चा होता ओडिशा केन्द्र शिक्षा मंत्री ये जो देखुं आग्रह लक्ष्मी पुराण को आंतर्जातीय स्तर को नवा आग्रह को आपड़ के देखुं केन्द्र शिक्षा मंत्री ये जो प्रयास यह अत्यंत स्वागत योग्य कारण से ही जड़े लोक बुझे जे वर्तमान आमर यह कार्यक्रम ओडिशा निहाती आवश्यक जगत अनेक वैप्लविक पर आसी सिना शिक्षा 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 संबंध में जो दूरदृष्टि रही ओडिशा को समग्र विश्व में प्रतिष्ठापित करने से प्रयासी अच्छा शिक्षा प्रति गोटे स्वतंत्र आग्रह रही से यज्ञ कुंडर दृश्य देखा चाहिए आपको सूचना देखा चाहिए आप किसी समय पर केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान किसी समय अपेक्षा रही केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से पहुंचे परवर्त अवस्था आप फेरबू कि बहुत बहुत धन्यवाद बर्तमान आलोक आश्वस्त रही है पूरी सदाशिव संस्कृत विश्वविद्यालय अधिक अपडेट दे जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।